Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will be understanding the Rolle's theorem. Rolle's theorem क्या है मैंने प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज लिख दिया है शीट पे. अब हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो कैसे हमें एक एक पॉइंट एक एक वर्ड जो हमारा थ्योरम में लिखा है उसको अब हम समझते हैं. बेसिकली रोल्स थ्योरम जो है वो कहती है कि देयर इज अ फंक्शन जिसका डोमेन है ए टू बी, मींस ए बी डोमेन है उस फंक्शन का, वो डिफाइंड है हमारी, एंड इट इज कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी. दैट मीन्स कंटिन्यूस जो हम फाइंड बताते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस है किसी रेंज में, उस टाइम पर हम क्लोज ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. और डिफरेंशिएबल के लिए हम ओपन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएबल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते एंड वैल्यूज को, एंड इंटरवल वैल्यूज को हम इंक्लूड नहीं करते, तभी हमने ओपन ब्रैकेट्स का यूज किया, सर्कल ब्रैकेट्स का, और इसमें हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का यूज किया है. और सच दैट जो हमारा फंक्शन के दो पॉइंट्स ए और बी जिसमें वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन की वैल्यूज उन दोनों पॉइंट्स पर इक्वल होनी चाहिए. फिर जब वो निकल जाएगा देन उस पॉइंट पे उस फंक्शन के लिए एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जहां पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो है. तो ये हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट से हम बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में समझते हैं. ठीक है, हम एक ग्राफ बनाते हैं. ओके ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ओके, हमें गिवन है कि हमारा एक फंक्शन ए बी जिसका डोमेन है वो कंटिन्यूस है ऑन पॉइंट ए बी में. तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी. ठीक है, और वो बताया कि वो फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ए बी में. और नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया कि हमारा फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, मतलब हमारा जो दो पॉइंट्स ए और बी हमें गिवन होंगे उन दोनों पॉइंट्स में हमारी फंक्शन मतलब हमारी y की वैल्यू सेम होगी. लेट्स से दिस इज f a, देन हमारा पॉइंट f b, b जो होगा वो सेम इक्वल होगा. ओके ये इसका मतलब है. तो हमने ड्रॉ किया. ओके अब अगर हमारा ये फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b इक्वल है देन हमारा एक पॉइंट c एग्जिस्ट करना चाहिए उस फंक्शन a b पे जब उसका डेरिवेटिव c जीरो हो. मतलब हमारा कोई भी एक पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करेगा. कैसे देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस हम कैसे फाइंड करते हैं. कॉन्टिन्यूस ये होता है कि हमारा कोई ब्रेक पॉइंट ना आए उस ग्राफ में. डिफरेंशिएबल कैसे हम निकालते हैं, डिफरेंशिएबल के लिए हमने पढ़ा था LHD RHD, वो तो हम करते हैं. लेकिन अगर ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि वो हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो बेसिकली ये ग्राफ जो होगा हमारा ये डिफरेंशिएबल होगा. ओके क्योंकि ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना है. और दूसरा ये हमारा अगर ग्राफ गिवन है हमें, तो ये ग्राफ हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन जब हमारा कभी भी शार्प कॉर्नर आ जाए ना, कोई भी शार्प कॉर्नर पे, वो फंक्शन की उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो नॉन डिफरेंशिएबल होती है. ये ग्राफ पॉइंट से हम ऐसे समझते हैं. जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में या जब तुमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब हमारे पास एक आया था कि हमें चेक करना है कि वो हमारा फंक्शन मॉड्यूलस एक्स जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तब जब हम मॉड्यूलस एक्स का, आपको पता है जब हम मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. तब आपको पता होगा कि हमने प्रूव किया था कि मॉड्यूलस एक्स जो है हमारा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. क्योंकि आप देख सकते हो हमारा ग्राफ जब हमने मॉड्यूलस एक्स का बनाया जीरो पे एक शार्प एज हमारा शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारा ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होता है. तो ग्राफ पॉइंट से आपको समझ आया होगा कि हम कैसे डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल बताते हैं. तो अगर हमें बताया गया है इस रोल्स थ्योरम में कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है ए और बी में, मतलब उसमें कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल भी है ए बी में, मतलब इसमें कोई भी शार्प कॉर्नर या एज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या हम इस ग्राफ को कुछ ऐसे बना सकते हैं. ओके हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, या तो हम ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई शार्प एज नहीं आएगा और वो कंटिन्यूस भी होगा. तो हम इन दो तरीके से अपना ग्राफ बना सकते हैं. तब अगर हमारा ये ग्राफ है और इसमें हमारी तीनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो गई कि एफ ए एफ बी इक्वल है, कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तब हमारा फोर्थ कंडीशन आती है कि एग्जिस्ट करेगा पॉइंट हमारा सी, ए बी के बीच में कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे उसका डेरिवेटिव। जब हमने डेरिवेटिव समझा था तो आपको पता है कि डेरिवेटिव्स को जब हम रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन या ग्राफ के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते थे रियल लाइफ में, और ग्राफ की टर्म्स में हम उसे स्लोप बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लोप। तो जब हमारा डेरिवेटिव जीरो है, मतलब अगर हमारा स्लोप किसी भी ग्राफ का जीरो होगा, उसका मतलब ये होता है कि हमारा ग्राफ जो होता है उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल बन जाता है। क्या बन जाता है? बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हमें गिवन है कि हमारा फंक्शन सी पे पॉइंट सी है जहां पे डेरिवेटिव मतलब हमारा स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब है हमारा ग्राफ उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल होगा। तो कौन से पॉइंट पे? जब आप ये ग्राफ देख रहे हो तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ग्राफ पॉइंट से आपको समझ आया। अब कुछ कंडीशंस होती है हमारी रोल्स थ्योरम की जो सैटिस्फाई होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम उन क्वेश्चंस को बेसिकली स्टेटमेंट वाइज हर एक जो कंडीशंस अभी हम लिखने वाले ना, उसी कंडीशन के बेसिस पे हम रोल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशंस लिखते हैं। हमारी बेसिकली 4 कंडीशंस होती है रोल्स थ्योरम के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी होती है कि हमारा फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस। फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कौन से पॉइंट पे? ऑन ए बी पे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन होती है हमारी कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। अगर ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है ना, देन हमारी फोर्थ कंडीशन हम चेक करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डायरेक्टली रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती उन फंक्शंस पे। फोर्थ कंडीशन अगर हमारी तीनों कंडीशंस ऊपर सेटिस्फाई है तो फोर्थ कंडीशन होती है कि हमारा एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जिसमें उस फंक्शन एफ दा डेरिवेटिव उस पॉइंट सी की वैल्यू 0 होगी। कब? जब सी जो है वो बिलोंग करेगा हमारा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी 4 कंडीशंस है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने सारे क्वेश्चंस को इन्हीं 4 कंडीशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, एग्जांपल है, हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू x² + 2 और हमें गिवन है a की वैल्यू -2 है एंड b की वैल्यू 2 है। तो हमें इसमें वेरीफाई करना है हमारी रोल्स थ्योरम के लिए। ठीक है, तो पहला हम कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी? पहली कंडीशन थी हमें प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है, देखो सबसे पहले हमें y इज इक्वल टू x² + 2, इसको हम लिख सकते हैं एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया। पहली कंडीशन थी कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए a b के रेंज में। तो पहला आप देख रहे हो x² + 2 है। आपको पता ही है कि हमारे सारे पॉलिनोमियल फॉर्म्स जो होती हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशंस होती है, क्यूबिक इक्वेशंस होती है, वो सारी हमारी कंटिन्यूस होती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें जब कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अपने, हमें वो प्रॉपरली स्टेटमेंट वाइज उसको लिखना पड़ेगा ताकि हम अपनी हर कंडीशन को सेटिस्फाई दिखा रहे हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट पे ये लिख सकते हो कि वी नो दैट function of x is equals to x² + 2 is continuous in जो हमारी रेंज है -2 to 2 and differentiable in -2 to 2। हमें पता ही है कि हमारी फंक्शन जो पॉलिनोमियल है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये पॉइंट हमें लिखना है। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई जो हमारी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल की है। थर्ड कंडीशन थी हमें फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी को इक्वल पुट करना है। तो फंक्शन ऑफ ए निकालते हैं हम, मतलब फंक्शन ऑफ ए हमारा फंक्शन ऑफ -2 पे निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 2 is 6। अब फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ 2 पे निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 2 है। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 6। तो देखो ये हमारी इक्वल है, मतलब फंक्शन ऑफ ए जो है इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। जब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम फोर्थ कंडीशन चेक करेंगे। फोर्थ कंडीशन का मतलब है हमें निकालना है एक पॉइंट सी पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मतलब हमारा फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स हुआ हमारा 2x, ठीक है, एफ डैश एक्स 2x हुआ। इसका मतलब एफ डैश सी क्या हुआ हमारा 2c, ठीक है। अब हमें निकालना है एट जब हमारा डेरिवेटिव जो है जीरो है तो एफ डैश सी आपको जीरो पुट करना है, मतलब 2c इज इक्वल टू जीरो। तो किस वैल्यू पे, c जीरो पे आई, और ये c जीरो क्या हमारी बिलोंग कर रही है, यस ये हमारी बिलोंग कर रही है माइनस टू 2 को। हमारी ये लाइन, ये नंबर लाइन होगी, यहाँ पे माइनस 2 है तो सी, ये ए और बी है तो सी हमारा जीरो तो आई रहा है, इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो सही है। तो हमारी एट पॉइंट 0 हमारा ये प्रूफ हो रहा है कि सी की वैल्यू 0 पे हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 है। तो लिख दो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हमारे चारों पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो ऐसे ही हमें करना है, हर बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो हर कंडीशन, हर चार पॉइंट को सेटिस्फाई करके। हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही तरीका करना है और कुछ चेंज नहीं है, बस सेम करना है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवंट डन इट येट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।